सारे चटोरे लोगों को ये चाटी दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ही नई रेसिपी बनाई है लौकी की, ब्रांड न्यू रेसिपी। इसका नाम तो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए आप मैंने कैसे बनाया है। इसमें हल्का सा दही का और कड़ी पत्ता का ट्विस्ट दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वाद और सेहत में। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी, ब्रांड न्यू रेसिपी लौकी की। तो आप देखिए मैंने किस तरह से आसानी से बनाया है इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए लंबी लौकी। यहाँ पर हमने लंबी लौकी ली है और उसे दो पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर के पार्ट्स को निकाल लेंगे चक्कू या किसी चम्मच की हेल्प से, और उसे दोनों साइड से आर पार दिखनी चाहिए और एक होल बन जाना चाहिए इस तरह का, क्योंकि हमने इसे अंदर में बहुत अच्छी फिलिंग करनी है। इस तरह से हमने दोनों लौकी में होल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मसाला फिलिंग्स के प्रिपरेशन के लिए। तो मसाला फिलिंग्स बनाने के लिए मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियों को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और ऑलरेडी चॉप्ड मेरे पास कुछ मिर्च, 2-3 मिर्च की चॉपिंग थी, उसको मैंने उसमें मिला लिया है। अब हम फटाफट से अदरक को भी फाइनली चॉप कर लेंगे, माइन्यूट पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में। और फिर बारी आती प्याज की, आधा प्याज को मैंने लिया है और उसे भी चॉप कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट से आगे देखते हैं कि मसाला फिलिंग्स कैसे रेडी करना है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसमें लगभग 1/2 चम्मच जीरा डालना है, और उसमें हमने जो चॉप किया था मिर्च, लहसुन और अदरक, उसको डाल लेना है और अच्छे से मिला लेना है। ब्राउन होने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालना है, 1/2 चम्मच हल्दी डालना है, और 1 चम्मच आप धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लें। बस अब लगभग 2 मिनट लगेंगे मसाला फिलिंग्स को रेडी करने के लिए। अब हम 5 से 6 बॉइल्ड आलू, मेरे पास ऑलरेडी थे, उसको मैंने इसमें मिला लिया है, और इसे अच्छे से मैश करके, मिक्स करके बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला फिलिंग्स को रेडी कर लेना है। मसाला फिलिंग रेडी करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आलू को बहुत अच्छे से मैश करना है। तो इस तरह से हमारा मसाला फिलिंग तैयार है। अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इस सॉफ्ट मसाला फिलिंग्स को लौकी के अंदर जो हमने होल किया था उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टफिंग कर लेना है दोनों साइड से, ताकि ये फुली इसका पेट भर जाए, कम्प्लीटली पेट भर जाए इसका। इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। मतलब बाहर एक लौकी की रिंग बन गई है और अंदर एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा मसाला बन गया है। इस स्टेज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका आलू का मसाला जो है वो रिंग से बाहर हो रहा है। कुछ नहीं करना है, फिंगर से हल्का हल्का दबा देना है साइड से और वो उसमें चिपक जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इसे सेक लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसमें इस तरह से हमने इसे रख देना है ताकि ये सिके। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसे थोड़ा सा कवर कर दें कोई बर्तन से। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आलू का जो मसाला है अंदर से काफ़ी फ्लफी हो गया है, काफ़ी फूल गया है। आप उसे चक्कू से इस तरह से कर सकते हैं, और आपको इसको परफेक्टली कुक करने के लिए दोनों साइड से इसे पलटना है और इसे कवर करना है प्लेट से, ताकि लौकी की जो रिंग है वो अच्छे से पक जाए। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत अच्छे से पक जाएगा, और काफ़ी कलर भी सुंदर आया है। इस तरह से हमारा ये लौकी की जो चिक्की है, चिक्की बोल सकते हैं इसे, ये रेडी हो गया है। और ये जो लौकी की जो रिंग है ये बहुत ही जूसी है, और अंदर का जो है वो समझ लीजिए आप आलू की टिक्की है। चलिए अब फटाफट से हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 अनियन, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स, 2 ग्रीन चिली और 1 साबुत रेड चिली। उसमें डालेंगे हम 3 मीडियम साइज टोमेटो और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब हम कढ़ाई में लेंगे 3 चम्मच सरसों तेल, और उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स। उसमें हम डालेंगे अपनी ग्रेवी जो हमने ग्राइंड किया था, और इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे। 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इस तरह से ये सूखने के बाद, अच्छे से चलाने के बाद, इसमें हम लगभग 1/2 ग्लास हम पानी डाल लेंगे, और
इस तरह से थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। इस तरह से हमारा एक बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी तैयार है। अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म, प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने लौकी के चिक्की को रख लिया एक प्लेट में और उसके ऊपर हम डालेंगे बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी। इस तरह से थोड़ा सा खट्टा टेस्ट के लिए मैंने दही को यूज़ किया था, 2 से 3 चम्मच दही डाला, उसके ऊपर करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स का तड़का, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। एक बार आप बना के देखिए, ट्राई करिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको दही नहीं खाना है तो बिना दही के भी आप इस तरह से बना सकते हैं, केवल ग्रेवी और लौकी की जो चिक्की है उसको यूज़ करके। अब बारी आती है नाम की। इस रेसिपी की नाम तो मुझे पता नहीं, सच बताऊँ तो मैं बनाया तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं इसका नाम क्या देना है। आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या नाम देना सही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, स्वाद का लुत्फ उठाइए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।